विनोद खन्ना की इमेज तोड़ने वाली फिल्म जिसमें कोई नहीं करना चाहता था काम, रिलीज होते ही मेकर्स हुए मलमल। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत बतौर विलेन बनकर की थी। करियर के शुरुआती दौर में वह कई फिल्मों में विलेन बनकर सामने आए। वक्त के साथ उनकी पहचान एक्शन हीरो के रूप में होने लगी, लेकिन एक ही फिल्म ने उनकी पूरी इमेज को ही बदल कर रख दी थी दोस्तों। साल 1989 की वो सुपरहिट फिल्म जिसके रिलीज होने से पहले ही उसमें कई बड़े बदलाव किए गए। इस फिल्म में कोई एक्टर काम करने को राजी नहीं था, लेकिन विनोद खन्ना ने इस फिल्म में काम करके इतिहास रच दिया था। विनोद खन्ना ने फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ फिल्म प्रोडक्शन और राजनीति में भी अपना दमखम दिखाया। अपने दौर के वह सबसे महंगे एक्टर में से एक थे। उन्हें स्टाइल और फेस आइकन भी कहा जाता था दोस्तों। 1970 के दशक में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया था। विनोद खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत साल 1978 में आई सुनील दत्त स्टारर फिल्म मन का मित से की थी। फिल्म मेरे अपने में एक एंग्री यंग मैन का रोल निभाने के लिए उनकी खूब सराहना हुई थी, लेकिन साल 1989 में उनकी बनी बनाई इमेज पूरी तरह से चेंज हो गई थी दोस्तों। हम बात कर रहे हैं साल 1989 में आई यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी की। चांदनी ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। इस फिल्म में भले ही लीड रोल में ऋषि कपूर और श्रीदेवी रहे, लेकिन विनोद खन्ना के किरदार के बिना यह फिल्म अधूरी रह जाती। कहा जाता है कि इस फिल्म में विनोद खन्ना वाला किरदार यश चोपड़ा कई एक्टर्स के पास ले गए थे, लेकिन कोई इस रोल को करने के लिए राजी नहीं हुआ था। रोल छोटा था और साइड हीरो का था। लोगों को इस फिल्म की सफलता पर भी शक था दोस्तों। यश चोपड़ा की इस फिल्म पर डिस्ट्रीब्यूटर भी पैसा नहीं लगाना चाहते थे। सभी ने यश चोपड़ा की इस फिल्म को न बनाने की हिदायत दी, लेकिन यश चोपड़ा ने कई बदलाव किए और बाद में विनोद खन्ना भी इस फिल्म से जुड़े। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने ललित नाम के शख्स का किरदार निभाया था दोस्तों। बता दें, इस फिल्म से पहले विनोद खन्ना की इमेज एक एक्शन हीरो की थी, लेकिन यश चोपड़ा ने रिस्क उठाया और विनोद खन्ना को साइन किया। इस फिल्म के बाद विनोद खन्ना की पूरी इमेज चेंज हो गई थी। इस फिल्म के बाद वह रोमांटिक हीरो के तौर पर भी पहचाने जाने लगे थे दोस्तों। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।